अभी ना बैंगलोर गाइस बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है, सीरियसली बोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग माय ब्यूटीफुल पीपल, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गोरखे बॉय व्लॉग्स। तो कैसे हो गाइस, आई होप कि सब जन अच्छे होंगे और अच्छा ही रहना। एंड आज का ब्लॉग आप लोगों को थंबनेल एंड टाइटल देखे तो पता चल चुका है गाइस आज का ब्लॉग क्या होने वाला है। एंड द थिंग इज गाइस, थैंक यू सो मच अब सभी लोगों को इतना ज्यादा प्यार, इतना ज्यादा सपोर्ट देने के लिए। अब मेरा लास्ट ब्लॉग वगैरह, विलेज लाइफ ब्लॉग वगैरह नहीं देखा तो देखना गाइस, बहुत ही असम ब्लॉग बना हुआ है। और मेरा गाँव कैसा है, घर कैसा है, सब मैंने बताया हूँ, मेरा ब्लॉग में दिखाया हूँ दोस्त लोग। ओके सो फाइनली अभी मैं मेरा वाइफ को छोड़ के आया हूँ घर, तो आज है मेरा छुट्टी। तो मेरे ना आज बाल कट करना है, मैं ज़्यादा नहीं कट करूँगा, मैं थोड़ा सा ही बाल कट करूँगा क्योंकि ये ही सिर्फ कट करूँगा। एक्चुअली मेरे को ना ये न्यू स्टाइल करने का मन था, बट ना मेरा वाइफ जो है कि कट करो बोल रहा है, यार घर से भी कट करने के बोल रहा है। एंड द थिंग इज अ गुड हेयर स्टाइल इज हेयर ओनली। गुड मॉर्निंग ब्रदर। गुड मॉर्निंग। टैटू दे रहे हैं जरा, लुक हिज टैटू, बाय खतरनाक टैटू बना है इसने भी। ओके सो यही मेरा हेयर कट कर देगा घर में ही। आज हम दोनों का छुट्टी है और कल से हम दोनों का साथ में ज्वाइनिंग होगा, हम दोनों साथ में ही जाएंगे हेयर ऑफिस वगैरह। बट हम लोग का ना आउटलेट अलग अलग कर दिया हुआ है, इसलिए मैं उधर छोड़ने का रीज़न क्यों है और वहाँ पे जाने का रीज़न क्यों है, दूसरा आउटलेट लाइक दूसरा कंपनी जाने का रीज़न क्यों है, जो भी पुराना वाला मेरा व्यूअर्स है उन लोगों को तो मालूम है मैं कहाँ पे काम करता था, किस जगह में। तो अभी मैं ना कंपनी चेंज कर दिया हूँ, बट क्यों किया, किस लिए किया, ठीक है, तो मैं कल वाले वीडियो में बताऊँगा गाइस। सो स्टे ट्यून्ड। फिलहाल तो अभी हम लोग फ्री है, गाड़ी का वायरिंग ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है क्योंकि कभी इंडिकेटर नहीं चल रहा है, कभी सेल्फ तो लग रहा है, कभी हेडलाइट नहीं चल रहा है, वायरिंग ना बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुका है मेरा गाड़ी का। तो मैं वो बनाने के लिए जाना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, बना के ना मेरे को फिर बाल भी कट करना है क्योंकि कल से मेरे को ड्यूटी ज्वाइन करना है, थोड़ा सा नीट एंड क्लीन लगना है। ओके सो स्टे ट्यून्ड गाइस, अभी हम लोग निकलेंगे गाड़ी का सर्विस की जगह में, गाड़ी को बनाएंगे उसके बाद हेयर कट करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड गाइस। अभी बहुत ही न्यू लाइक नो गोरखे फैमिली जुड़े हुए मेरा चैनल में, तो ये है सिद्धापुरा गाइस, अगर आप देख रहे हैं तो सिद्धापुरा में रहता हूँ, बैंगलोर सिद्धापुरा जो है कि व्हाइट फील्ड में आता है गाइस, ठीक है। एक छोटा सा रूम है, छोटा सा नहीं बड़ा ही रूम है, ठीक है। एक्चुअली बात करूँ तो ये है 1 BHK बोलते हैं इसको, एंड यहाँ पे एक छोटा सा किचन है, यहाँ पे एक रूम है और यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम है और यहाँ पे एक डाइनिंग के जगह है, लाइक क्या बोलते हैं जगह, हॉल जगह है गाइस। यहाँ इसका रेंट ना गाइस 11,000 रुपीज़ हो चुका है, पहले ना कितना था 7,000 में हम लोग आए थे, अभी ना बढ़ा के 11,000, अगर कोई भी नया लोग आएगा 12,000। तो हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ से भी शिफ्ट होना है, उसके लिए भी हम लोग को एक दिन टाइम चाहिए, रूम ढूंढना है। अभी ना बैंगलोर गाइस बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है, सीरियसली बोल रहा हूँ। ऑलराइट गाइस, सो अभी हम लोग जा रहे हैं गाड़ी बनवाने का, वायरिंग चेक कराना है, ठीक है। अगर टाइम लग सकता है बोल रहे हैं, देख क्या होता है फिर, अगर मैं कल से ना फिर नहीं जा पाऊँगा, अगर आप लोग को दिखाऊँगा तो मेरा गाड़ी यही है गाइस, ठीक है, मैं दिखावा नहीं कर रहा हूँ, बट या जो भी है मेरा कमाई का है, मुझे प्यार लगता है मेरा गाड़ी को, एक शौक होता है ना हर एक मिडिल क्लास के बंदे को लोग कि एक बाइक हो कैसे भी करके। तो मेरे पास है NS 160, अगर बाद में लकीली मेरे को कुछ अच्छा खासा हो गया तो फिर मैं एक नया सा बाइक ले लूँगा एकदम ब्रांड न्यू, बट इन फ्यूचर लेट्स सी क्या होता है। तो अभी जा रहा हूँ, हम लोग नीचे जाना पड़ता है, सर्विस सेंटर नीचे ही है, लोकली है, तो ये इसका वायरिंग चेक कराना है गाइस। अभी तो जल रहा है इंडिकेटर, बाद में ना ये सब नहीं आता है कभी कभी, तो क्या हुआ है, तो रिस्क में नहीं रहना है, तो अभी जाएंगे, चलो भाई। A few moments later. Alright guys, so मैंने गाड़ी को ना वहाँ पे छोड़ चुका हूँ गैरेज में, मैं वीडियो ही नहीं किया, तो उसको टाइम लगेगा 5-6 5-6 बजे को मिल जाएगा बोल रहे हैं। एंड द थिंग इज गाइस, बैड थिंग इज उसके एक बार वायरिंग कर सकता है, फिर बाद में अगर फिर ख़राब हो गया तो पूरा लाइक यू नो चेंज करना पड़ेगा बोल रहा है वायर वगैरह, तो देखते हैं बाद में कैसे बनाते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं घर, ये है सिद्धापुरा जहाँ पर हम रहते हैं, और यहाँ पे एक टैंकर आ रहा है, पानी का टैंकर बहुत चलता है यहाँ पे, पानी का ना गाइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा इशू भी होता है, और नीचे आई थिंक पानी का सोर्स होंगे, देख सकते हो पानी जा रहा है पानी लेने के लिए, उसका पर टैंकर आई थिंक 1200 ऐसा पड़ता होंगे भाई, अरे 1200 पड़ता है, 1200 ऐसा पड़ते होंगे। और हमारे घर तो जहाँ पे हम रहते हैं। ऑलराइट गाइस, फाइनली मेरा हेयर कट हो चुका है, तो मैंने हेयर कट ना साइड में किया, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, हल्का हल्का ही किया क्योंकि एक्चुअली मेरे को ना ये तो पूरा बढ़ाना था, बट पेशेंस नहीं हो रहा, पेशेंस तो है मेरे पास, बट वाइफ जो है कट करो बोल रहा था, बट ये भी आई थिंक वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो उसका फुसलाना पड़ेगा, मनाना पड़ेगा, आई मीन प्लीज़ बुरा मत मानना, मैं थोड़ा सा नांगा हूँ यहाँ पे, टी शर्ट नहीं पहना हूँ एक्चुअली, हाफ पैंट पहना हूँ। ऑलराइट अभी नाना है क्योंकि मैंने अभी हेयर कट किया ना, तो या सो अभी जाएंगे।
A few moments later. Good evening guys, अभी बज चुका है 6 बजने ही वाला है, तो अभी हम लोग उठे एक्चुअली। हम लोग ने नहा धो के खाना वाना खाया, खाना वाना खा कर ना भाई बहुत ही भयंकर नींद आया था, तो हम लोग वहीं पे सोए थे मेरे भैया। अभी ये भी घर जाने वाले हैं और मेरे को जाना पड़ेगा बाइक लेने, फिर बाइक लेके मेरे वाइफ को लेने के लिए जाऊँगा गाइज। अभी ना धूप थोड़ा थोड़ा डूब रहा है एक्चुअली, देख सकते हो। अभी तो ये ख़त्म ही हो गया धूप तो, अभी धूप नहीं, अभी ये टाइम में निकलना अच्छा लगता है, नहीं तो दिन में ना भाई खतरनाक धूप लगने लगा हुआ है। इधर बंदी रखा एटलीस्ट। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ये बंदे ना। ओके सो ये भी जा रहा है और मैं भी निकलूंगा गाइस, सो मिलते हैं बाद में। ओके गाइस, सो अभी हम लोग बाहर आया है, देखिए उसने और ये भी रैपिडो वेट कर, इसने रैपिडो बुक किया हुआ है और इसका भाड़ा लगा है लाइक यहाँ से आवानी को लाला तक काफी लगे 41 रुपीज़ गाइज। यहाँ पे बैंगलोर में अगर किसको मालूम नहीं है तो ऐसा रैपिडो भी चलता है, बट ओनली बाइक होता है गाइज, बाइक स्कूटी वगैरह, तो इसमें थोड़ा सा कम होता है गाइज, ठीक है। बट नाइट में ना थोड़ा सा रिस्की रहता है लड़की लोगों के लिए, तो नाइट में प्लीज़ आप लोग यूज़ मत करना रैपिडो, स्पेशली लड़की लोग, कोई भी नेपाली लोग हो, कोई भी, चाहे हिंदी हो, चाहे नेपाली हो, चाहे कनाडा, ओके, तो यूज़ मत करना रैपिडो। दिन में तो आप लोग ईजिली कर सकते हैं, ठीक है, हो सके तो रैपिडो ओडो कर सकते हैं आप लोग, राइट। तो अभी इसको गाड़ी आ रहा है, हम लोग वेट कर रहे हैं, यू नो। अब अलग चामल बाँच्ने भयो हाम्रो, बजा ल, पुगेर फोन गर न, भोलि भोलि भेट्नै त पर्छ होइन, बिहानै फोन गर ल, बाई भन्दैन यहाँ, ओके बाई ल, भोलि भेटौँ ल, कल हम लोग साथमै जाएंगे गाइस। अभी मैं जा रहा हूँ बाइक लेने, इधर ही नीचे ही है, एक्चुअली इसको मैं छोड़ने के लिए जाता था, बट मेरे को थोड़ी देर, सॉरी आफ्टर 2 आवर्स फिर मेरे को वाइफ को भी लेने के लिए जाना पड़ेगा, तो मैं फिर उधर जाके फिर उसके घर में वेट करना, पैसेंस नहीं है गाइस मेरा, तो आराम से गाड़ी को देखते हैं गाड़ी हुआ है कि नहीं। ओके ये है सिद्धापुरा गाइस, ये सिद्धापुरा है गाइस, कुछ इस प्रकार है यहाँ पे ना जगह, थोड़ा सा गांव टाइप का है, नीचे नीचे तो पीस जगह है यहाँ पे। ओके राइट, मस्त जगह है नहीं सिद्धापुर एक्चुअली गाइस, ये ना थोड़ा सा गांव टाइप का एरिया है, यहाँ पे लाइक यू नो काऊ वगैरह गाय वगैरह भी रखा जाता है, एंड एक वहाँ पे सबसे नीचे एक सर्विस सेंटर है गाड़ी का, तो मैं वहीं पे दिया हूँ सर्विस करने के लिए, यू कैन चेक हियर। एंड इस जगह में ना बहुत ज़्यादा नेपाली लोग रहते हैं, सीरियसली बोल रहा हूँ। पहले ना यहाँ पे हमारा अनुकूल भाई वगैरह रहते थे, अगर वीडियो देख रहे थे उसको कुछ याद आएगा, बहुत ज़्यादा अभी ना यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा लोग रहने लगा, क्योंकि ये जगह ना थोड़ा सा पीस लगता है मेरे को, मेरा ये जगह में आई थिंक 2 साल ऐसा हुआ होगा आई थिंक, बट 2 साल में ना अभी तक कुछ भी नहीं हुआ लाइक पंगा वंगा लोकल के साथ, ये चीज़ है। इधर गाय देख सकते हो, आई थिंक ये एरिया में भी नेपाली लोग रहते हैं, लेट्स गो, मस्त सिद्धा प्रहार यहाँ पे दिया था मैंने सर्विसिंग के लिए, लेट्स सी। गाड़ी ऑल राइट गाइज, फाइनली मेरा बाइक हो चुका है, एंड द गुड थिंग इज गाइज ये ना हमारे रूम के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक में, ये सिद्धापुर ऊपर आता है, अगर आप सिद्धापुर ऐसे नीचे वाला, ये कौन सा क्रॉस बोलते हैं भैया इसको, कौन सा क्रॉस बोलते हैं इसको, हाँ बालाजी लेआउट ना, नीचे ग्रीन गार्डन भी बोलते हैं ना इसको, हाँ बालाजी लेआउट में आपको ऐसा पड़ जाएगा, ग्रीन गार्डन लेआउट भी बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा लाइक पीस एरिया में है। अगर आप लोग ना गाइस सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं सर्विस भी दिया था, भैया लोग ने ना बहुत ही अच्छी तरह से सर्विस किया हुआ है, एंड द गुड थिंग इज़ जो है भैया जो बना रहा है वो ऑटोमोबाइल ऑलरेडी कोर्स किया हुआ है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा सीरियसली बोल रहा हूँ, और सर्विसिंग मस्त है। अभी वायरिंग का काम करने के लिए आया था, वायरिंग भी बहुत ही अच्छी तरह से बना दिया है, और ये रहा कॉन्टैक्ट नंबर का है, सो प्लीज़ आप लोग कॉन्टैक्ट करना, बहुत ही रिजनेबल प्राइस में भैया लोग बना देता है और बहुत ही अच्छी तरह से बना देता है। अभी तो पहले मैं सर्विस किया, सर्विस करने के बाद फिर यहाँ पे वायरिंग में मेरा प्रॉब्लम आया था, वायरिंग बहुत ही गंदी तरह से फिट किया था पहले वाला जो भी ऑनर था उसने, बट अभी के टाइम में ना बहुत ही अच्छा बना दिया। मेरा ना ये ब्रेक लाइट भी नहीं जलता था, तो अभी ये ब्रेक लाइट भी पूरा ऊपर का बना दिया है, सब कुछ लाइक यू नो स्मूथ है गाड़ी। तो प्लीज़ गाइज अगर कोई भी यहाँ नियर बाई सीधापुरा में देख रहे हैं, तो आप लोग ना सर्विस के लिए बिना हिचकिचाए यहाँ पे आ सकते हैं, बहुत ही अच्छा सर्विस रिजनेबल प्राइस में हो सकता है, ठीक है। सो मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया, आप लोग ना कॉन्टैक्ट करके भैया से कि ओपन क्लोजिंग टाइम ओपनिंग टाइम पूछ सकते हो, आना ज़रूर गाइज, ठीक है।
चलो ये सही है। Right guys, अभी घर आ चुके हैं फाइनली। गाड़ी भी फिट हो गया, मैंने इसको सर्विस भी दे दिया। और गाड़ी ना बहुत ज्यादा गंदा हुआ था, मैं लाइक 15 दिन दोस्त को दिया था, वो स्टार्ट वगैरह थोड़ा सा यूज कर दिया बिकॉज वो भी बिजी होता था। और इसको सर्विसिंग हो गया, आवाज़ अच्छे से हो गया। और मेन थिंग इसका ना वायरिंग का काम बहुत ही अच्छी तरह से कर दिया है भैया जी ने। बोल तो रहा है 6 महीने 7 महीने कुछ भी नहीं होगा, तो बाद में ना इसको वायरिंग अगर कुछ ख़राब हो गया तो फिर अच्छे से चेंज करना पड़ेगा बोल रहा है। क्योंकि आज ही मैं ख़त्म कर दिया, क्योंकि कल से ना फिर टाइम नहीं मिलेगा। इस कल से आपका भाई ड्यूटी जाने वाले हैं। ओके सो मिलते हैं बाद में। भैया जी को छुट्टी लेने के लिए जाना पड़ेगा मेरे को। अभी 7 बजे 7:30 को निकलूंगा, अभी 6:30 हो चुका है, 1 घंटा रेस्ट करके। Alright guys, so अभी 8 बज चुके हैं और भैया भी जा चुके हैं घर। अभी मैं जा रहा हूँ मेरा वाइफ को लेने के लिए, उसका सलून, उसका अभी छुट्टी होने वाला है, उसका छुट्टी होता है 8:30 में, तो मेरे को टाइम में पहुँचना है। गाइस लेट्स गो। और बाहर अंधकार हो चुका है, अभी देख सकते हो अंधकार हो चुका है, तो मिलते हैं गाइस मेरा वाइफ के सलून पहुँच के। देखा था गाइस अभी आ चुके हैं, ये लड़की देरी है हमारे बेबी वही पापा संग बात करते थे। सो सीतापुरा में हम लोग अभी जा रहे हैं अंदर। क्या हुआ आज, क्या हुआ ड्यूटी में आज? ड्यूटी में क्या हुआ आज? कुछ भी नहीं हुआ। मजा आ रहा है ड्यूटी में? इतना महीने के 1 महीने के बाद जा रहे हैं? 1 महीना चाहिए। कति है? 15 दिन 20 दिन के बाद जाने में क्या लग, कैसा लग रहा है? कैसा भी नहीं लगता, अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? अच्छी लगता है नहीं लगता है? की खाने बीबी है वो खाने। ओके गाइस अभी बेचारा ये ड्यूटी से आया हुआ है, सो अभी खाना बनाएंगे। खाना आई थिंक 12 बजे का ही खाना है, तो इसके लिए थोड़ा सा चाय बना दे रहा हूँ। खाना तो बनाना नहीं पड़ेगा आई थिंक, मुझे लग रहा है 12 बजे का खाना है वही खाएंगे गाइस। ठीक है, और आई थिंक मेरे को अभी ब्लॉग यहीं पे खत्म करना पड़ेगा। सो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आया गाइस। पसंद आए तो लाइक कमेंट से सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बी सेफ गाइस। तब तक के लिए गुड के बी ब्लॉग्स, देखते रहना गाइस। सब मिलते रहे, बाय।